परशुराम जयंती आज यानी कि 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया के साथ परशुराम जयंती वैशाख में मनाई गई। यात्रा निकाली गई। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को परशुराम जयंती मनाई जाती है। इस दिन अक्षय तृतीया का भी त्यौहार मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी परशुराम के रूप में पृथ्वीलोक पर अवतरित हुए थे। इस कारण से इस स्थिति पर परशुराम जयंती मनाई जाती है। सनातन छठे अवतार है। उनका जन्म त्रेता युग में हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन जन्म लेने के कारण ही भगवान परशुराम की शक्ति भी अक्षय थी। भगवान परशुराम भगवान से और भगवान विष्णु के संयुक्त अवतार माने जाते हैं। शास्त्रों में उन्हें अमर माना गया है। दरअसल भगवान परशुराम श्री हरि यानी विष्णु ही नहीं बल्कि भगवान शिव और विष्णु के संयुक्त अवतार माने जाते हैं। शिव जी से उन्होंने सहारा लिया और विष्णु जी से उन्होंने पालक के गुण प्राप्त की। भगवान शिव से उन्हें कई तिथियां शास्त्र भी प्राप्त हुई। इनमें से एक था भगवान शिव का फरसा या कुल्हाड़ी भी कहते हैं। ये उन्हें बहुत प्रिय थे, इसे हमेशा साथ रखते थे। परशुराम करने के कारण ही उन्हें परशुराम कहा गया है। देश के हर शहर हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।